हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आप लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना, आप लोगों ने सीएट एग्ज़ाम दिया, सीएट के फॉर्म में अगर आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऐड किया है देन आप एलिजिबल है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब आपको क्या करना है, अब तो रिज़ल्ट आ गया, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ JNU में आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, JNU के सेपरेट पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होगा, अपना कोर्स ऐड करना होगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। देन सिलेक्शन लिस्ट आएगी, तो यहाँ JNU ने जो नोटिस निकाला था, तो देखिए यहाँ पे नोटिस निकाला था कि सीएट का रिज़ल्ट आ गया है, अब JNU भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करेगी जो स्टूडेंट्स को फिल करना है जिन्हें एडमिशन चाहिए। सो अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ एडमिशन पोर्टल खोल करके, सो अभी तक एडमिशन पोर्टल नहीं आया है, अभी तक खुला नहीं है, अभी आपका ये लास्ट पेज 16 वाला आपका अपडेट है, अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। सो जैसे आता है मैं आपको बताऊंगी तुरंत। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ वहाँ पे हम लोग सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और जो भी सीएट में स्टेट यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड है सबके हम लोग वहाँ पे आपको नोटिस प्रोवाइड करें टाइम टू टाइम जैसे आ रहा है। सो वहाँ पे आप लोग अगर मिस नहीं करना चाहते कोई भी यूनिवर्सिटी की अपडेट तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो बात रही कट ऑफ की कि आपकी JNU की कट ऑफ क्या जाएगी, JNU का आप जानते हैं कि रैंक NIRF रैंकिंग क्या है, तो NIRF रैंकिंग आपकी 2 है, दूसरे नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और इसकी आपकी ऑब्वियसली कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली, जैसे कि न्यूज़ सोर्स से पता चला है कि कट ऑफ इसकी जनरल टेस्ट की जो और इंग्लिश जो इसमें आ रहा रिकमेंड कर रहा है उसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। सो आप लोग को अगर 300 जनरल टेस्ट का तो आपको मैक्सिमम 250 लाना पड़ेगा इसमें आपको एडमिशन के लिए, फिर आपका धीरे धीरे सीट खाली होता जाएगा, तो लास्ट अगर घटते घटते आपका 200 तक जाएगा जनरल टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वही इंग्लिश का भी वही होगा, 150 तक तो कम से कम लाना ही पड़ेगा, लेकिन 150 प्लस वालों का सबसे पहले एडमिशन होगा, देन घटते घटते आपका वो 100 पे चला जाएगा, 100 पर भी नहीं जाएगा, 100 पर तो इंग्लिश नहीं जाने वाला क्योंकि इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोर हुए हैं। जनरल टेस्ट आपका 200 तक जा सकता है बट इंग्लिश नहीं जाने वाला, इंग्लिश आपका 150 तक रहेगा, 150 प्लस जिनका उनका तो मतलब एकदम आपका कंफर्म रखिए कि आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पर हाई कट ऑफ जाएगी जैसे कि मैंने बताया। सो लो कट ऑफ जिनकी जा रही है वो शायद एलिजिबल नहीं होंगे, सो आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप यहाँ मत फॉर्म फिल कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि मे बी आपको चांस मिल जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, सो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।